नमस्कार। वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का 534वां वेबिनार है। वक्ता है अहमदाबाद के पारंपरिक वैद्य श्री सुधेंदु त्रिपाठी साहब, जो आज आयुर्वेद औषध निर्माण प्रयोजन मूलक भाग 5 में औषध निर्माण के बारे में आगे माहिती प्रदान करेंगे। वैद्य श्री सुधेंदु त्रिपाठी साहब से अनुरोध है कि वो अपना वक्तव्य आप शुरू कर सकते हैं। नमस्कार सर, जय धन्वंतरी। सभी को जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। साथ में सभी को मैं नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेक्षित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद ईष्ट देव को याद करते हुए और गुरुजनों को याद करते हुए इस वेबिनार की शुरुआत करता हूं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी तक जो वेबिनार हुए मेरी तरफ से, उसमें पहले भाग में हम लोगों ने आयुर्वेद के स्वरूप, उसके विविध सिद्धांतों, उसके इतिहास के बारे में बात की, और उसके बाद दूसरे भाग में हम लोगों ने औषधियों का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसमें कुछ औषधियों का निर्माण के बारे में बात की। तृतीय भाग में भी उसके बाद जो औषधियां रह जाती थी, आसव अरिष्ट भस्म, इन सब चीज़ों पे वार्तालाप किया। और चतुर्थ भाग में हम लोगों ने प्रयोजन मूलक कुछ बातें की, और ये इसी का विस्तार है जो कुछ चीजें छूट गई थी या जो आगे कवर करनी थी, वो चीजें इसमें हम बात करेंगे। तो जैसा कि इसके पहले चर्चाएं होती रही हैं कि जो रोग है उसको समझने के लिए जो चीजें हैं उसमें हेतु भेद आता है, और उसका परिमार्जन करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए रोगी के बलाबल के अनुसार और उसके अलावा बाकी के जो परिबल हैं, क्या स्थान है, किस तरीके से ऋतु चल रही है, रोगी की क्या पर्टिकुलर वृत्ति है, यानी कि कफ है, पित्त है, वात है, वो सब चीजें, उन सब का अनुमान लगाने के बाद औषधियों का प्रयोग होता है। पिछले अध्याय में हम लोगों ने ये देखा कि अलग अलग तरीके के जो रोग हैं वो कहाँ किस स्थान पे रहते हैं। औषधियों के भी कई प्रकार हैं जो हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। इसमें चूर्ण है, उसके बाद जो है अलग अलग तरीके की दवाइयां रहती हैं, जैसे रस है, बटी है, गुटिका है, आसव है, अरिष्ट है। तो ये सभी दवाइयों का भी अलग अलग गुणधर्म होता है। तो जिसको बोलते हैं ना, जिस तरीके से दवाई बनती है, तो उसमें अलग अलग जो अव्यय होते हैं उनके विशिष्ट गुणों को ध्यान में रखते हुए वो रोग पे किस तरीके से असर करेंगे वो देख के उनका फॉर्मुलेशन किया जाता है या बनाया जाता है। उसी प्रकार से परम्यूटेशन और कम्बिनेशन करके जो स्थितियां होती हैं उसके हिसाब से किसी रोग के लिए किसी पर्टिकुलर दवा को उपयोग किया जाता है। तो इसमें कुछ एक जो है सिद्धांत रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि गर्भावस्था है, तो गर्भावस्था एक बहुत ही क्रिटिकल अवस्था है। उसमें माता और बच्चे दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सामान्यतया ये देखा जाता है
गर्भावस्था में कोई भी कठोर दवा नहीं दी जाएगी, हमेशा दवा ऐसी दी जाएगी जो मृदु हो, सौम्य हो। इसी तरीके से शिशु अवस्था है, तो शिशु अवस्था में सामान्यतया ऐसी दवा दी जाती है शिशु अवस्था में, बाल्यावस्था में, जो सौम्य हो, मृदु हो। किशोरावस्था से हम कुछ कठोर दवाएं दे सकते हैं और युवावस्था प्रौढ़ावस्था तक जो है जो बहुत ही पोटेंसी वाली दवाएं हैं दी जाती हैं। लेकिन वृद्धावस्था में फिर ये ध्यान रखा जाता है कि भाई दवा जो है वो असरकारक तो हो लेकिन सौम्य हो। अच्छा, दवाइयों का जो असर है उसको अगर देखा जाए तो सामान्यतया सारी की सारी जो दवाइयां होती हैं वो प्लांट के रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे पदार्थ से प्राप्त होती है। तो इसमें जो रस है किसी पौधे का, मान लीजिए, तो उस पौधे का जो रस है वो उस समय सबसे ज्यादा गुणधर्म युक्त होता है, लेकिन जल तत्व तो अधिक होने के कारण उसकी मात्रा अधिक देनी पड़ती है। इसी तरीके से कुछ समय बीतने पे, जैसे मान लीजिए चूर्ण है, तो चूर्ण की अवधि, चूर्ण जिन चीजों का बन रहा है वो चीजें इकट्ठा करने में, उनको सुखाने में, उनको कूटने में और उनको परिमार्जित करने में जो समय जाता है वो 3 से 6 महीने का होता है। और ऋतु काल के अनुसार अगले 6 महीने में नया जो है चूर्ण का कच्चा माल हमको प्राप्त हो सकता है। तो ऐसी अवस्था में यह देखा गया है सामान्यतया कि उन औषधियों का गुणधर्म जो है लगभग 6 महीने से साल भर तक माना गया है। उसके बाद उसमें से कुछ तत्व विलीन होने लगते हैं, तो उनका प्रयोग फिर चूर्ण के रूप में नहीं होता है। जो गुटिकाएं होती हैं वो चूंकि उसमें जो गुटिकाएं होती हैं या जो टैबलेट्स बनाते हैं या कैप्सूल्स बनाते हैं, उसमें ज्यादातर क्या किया जाता है कि स्वरस का या उसमें जो है बार बार अनुपान दिया जाता है और उसको जो है घोट के बनाया जाता है, गुगली के साथ बनाया जाता है, तो उसमें उसकी पोटेंसी इस तरीके से बढ़ाई जाती है और उसकी स्थिरता भी जो है ज्यादा होती है, 1 से 3 साल तक उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरीके से आसव अरिष्ट अगर देखा जाए तो उसका प्रयोग जितना पुराना होता है आसव अरिष्ट उतना अच्छा होता है। भस्मों की बात करें तो भस्म जो है बहुत ही जबरदस्त पोटेंसी के होते हैं, उनका जो असर है वो बड़ा ही स्थावर होता है। मतलब किसी चीज को अगर इमीडिएटली क्रिटिकल अगर कोई सिचुएशन है इमीडिएटली रोकना है तो उसमें भस्मों का प्रयोग होता है, पर भस्में अगर सही से बनी ना हो, कच्ची रह गई हो, तो वैसे तो आयुर्वेद में बोलते हैं कि भाई किसी भी चीज का जो है आड़ असर नहीं होता, ऐसा सामान्य तौर पे माना जाता है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ औषधियों का जो है वो साइड इफेक्ट भी होता है, उसमें से एक है भस्म। उसी तरीके से कुछ एक विषैले पदार्थ होते हैं, जैसे कि मान लीजिए धतूरा है या कुचला है, इनका भी साइड इफेक्ट हो सकता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए औषधियों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ये देखा जाता है कि किसी भी औषधि अगर देखा जाए तो आखिरकार किसी भी औषधि का प्रयोग का हेतु क्या रहता है, उसका जो रिजल्टेंट है वो ये होता है कि रोगी ठीक होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जल्दी वो ठीक हो सके, उसके लिए कुछ सामान्य तरीके भी हैं जो उस दवा के असर को बढ़ा देते हैं। ये इनको संवाही या फिर जिसको बोलते हैं कि संचारी कहा जा सकता है, जिसको सामान्य भाषा में अनुपान प्रयोग कहा जाता है। जैसे मान लीजिए गिलोय के रस के साथ, तुलसी के पत्ते के रस के साथ या पान के पत्ते के रस के साथ किसी औषधि को दिया जाता है, या फिर शहद के साथ किसी औषधि को दिया जाता है,
किसी जूस के साथ दिया जाता है या किसी क्वाथ के साथ दिया जाता है, इस तरीके के अलग अलग पकवान वो औषधि को सुग्राह्य बनाते हैं, जल्दी से शरीर में उक्त स्थान यानी जहां पे हमें पहुंचाना है वहां पहुंचाते हैं और उसका असर भी बढ़ाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि किसी शिशु को या किसी दूध पीते बच्चे को कोई औषधि देनी हो तो वो औषधि ऐसी होनी चाहिए, दूध पीता बच्चा मतलब 6 माह से कम आयु है उसकी, तो अब दूध पीता बच्चा तो पानी भी नहीं पिलाया जाता है तो वो उसका अनुपान क्या होगा, दूध होगा। कुछ एक औषधियां हम लोग देते हैं या फिर शहद में दे सकते हैं लेकिन वो भी बहुत कम मात्रा में, और वो ज्यादातर एक चपटी या ऐसी चीजें होती हैं जैसे सोमवा 34 है या ऐसी कुछ चीजें हैं, मयूर चंद्रिका भस्म है, जो कि शहद में घोट के 6 महीने से 1 साल के बच्चों को चटाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। थोड़ा अगर बच्चा बड़ा होता है तो अब शहद जो है मीठा होता है बच्चों के लिए, उसके साथ चीजें लेना आसान होता है, तो उस तरीके से उनके लिए ज्यादातर अनुपान आप देखेंगे तो हल्का सुपाच्य होने के कारण, ग्राही होने के कारण उनके लिए शहद का अनुपान दिया गया है। उसी तरीके से बाल्यावस्था में शहद या गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जिस तरीके की दवाई होती है उस तरीके का अनुपान होता है, और जो किसी भी रोगी की प्रकृति है उस अनुसार उसको ढाला जाता है। जैसे अदरक का सोरस है तो सीधी सी बात है कि अदरक का सोरस या तो दीपन पाचन के लिए दिया जा रहा है या कफ विकारों को दूर करने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन अगर हम ऐसी किसी औषधि का प्रयोग कर रहे हैं और उसमें व्यक्ति की जो प्रकृति है वो पित्त प्रकृति है तो वो पित्त को बढ़ाएगा और इसके कारण पित्त की बाधा भी उत्पन्न हो सकती है, तो वैसी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ एक सिद्धांत थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अवस्थाओं के बारे में तो मैं बात कर ही चुका हूँ, अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो हेतु भेद की बात आती है। हेतु भेद में हम लोगों ने जो विविध विकार थे उन पे काफी विस्तृत चर्चा की थी, उनके अलग अलग जो स्थान हैं वो सभी को विदित हैं, फिर भी एक बार सबका ध्यान ज्ञातव्य कराता हूँ, सबके ज्ञातव्य में लाता हूँ। इसमें जैसे वात की बात की जाए तो वात का स्थान कहाँ पे है, वात का स्थान एक, वात कई प्रकार के हैं जिस पे विस्तृत तौर पे चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन सामान्यतया अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो वात हमको दिखता है एनाटॉमी के हिसाब से अगर हम देखें तो श्वसन क्रिया में हम कहीं ना कहीं पान वायु अपान वायु का प्रयोग कर रहे हैं, और उसके बाद जो है पाचन तंत्र की जो क्रियाएं हैं उसमें अलग अलग तरह की वायुओं का प्रयोग हो रहा है और वो कहीं ना कहीं हमारे पाचन में भी मदद रूप है। तो वास्तविक तौर पे जो सबसे ज्यादा वायु का स्थान देखा जाता है वो वायु के आसपास और श्वसन तंत्र के आसपास है, पर जिस तरीके से कहा जाता है कि वात के 49 प्रकार हैं और जब वही वायु बिगड़ता है, ऐसा माना जाता है कि वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते बढ़ते वायु का विकार ज्यादा बढ़ता है, कभी घुटनों में दर्द होता है, कभी जांघों में दर्द होता है, जहां भी जोड़ होते हैं उंगलियों में हो सकता है, कोहनी में हो सकता है, कंधों में हो सकता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे दर्द हो सकता है, कमर में हो सकता है। तो हड्डी जो है उसको भी वात का एक स्थान माना गया है और उस हिसाब से पीड़ा होती है। तो अब मान लीजिए वात संबंधित रोग हैं, तो उनका इलाज करने के लिए जिस स्थान पे दर्द हो रहा है, जिस स्थान पे दिक्कत हो रही है, दर्द की केवल बात नहीं करते हैं, वात बढ़ने के कारण मान लीजिए पेट फूल गया है, वात जो है पसार नहीं हो पा रहा है, वायु जो है पसार नहीं हो पा रहा है,
ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा कि आपका पाचन तंत्र बिगड़ रहा है, खट्टी डकारें आएंगी, हो सकता है वॉमिटिंग भी हो, ऐसी सब चीजें हो सकती हैं। तो उस समय हमको जो पेट के स्थान पे स्थित वात है उसको ठीक करने की जरूरत है। तो ज्यादातर ऐसे में चूर्ण बटी ऐसी सब चीजें दी जाती है और उससे राहत भी होती है। लेकिन मान लीजिए जोड़ों का दर्द है या ऐसी मसल्स का पेन है, वैसे समय में जो जिसको बोलते हैं बाह्याभ्यांतर उपचार, तो उसमें तेल की मालिश है और गर्म कपड़े से या बालू से सेकना है, ये सब चीजें भी अत्यंत लाभकारी होती है। तो इस तरीके की चीजें रहती हैं। कहने का मतलब ये है कि साथ में ये भी देखा जाता है दवा के प्रयोग करते समय कि हमें उस दवा का असर कहाँ चाहिए, उस हिसाब से उस दवा को प्रयुक्त किया जाता है। साथ में ये है कि जैसे मान लीजिए इमीडिएट इफेक्ट चाहिए तो हम रस भस्म भी दे सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी जो है बीमारी है जो मालूम है कि धीरे धीरे ठीक होती है, एकाएक ठीक नहीं होती है, तो उसके लिए अन्य औषधियां हैं। मानसिक रोगों के लिए और ऐसी टॉनिक वॉनिक जो होती है जिसको मतलब स्वास्थ्य लाभ के लिए, तो आसा अरिष्ट का विशेष तौर पे प्रयोग किया जाता है जो स्नायु तंत्रों को मजबूत करती हैं और अन्य तंत्रों को भी मजबूत करती हैं। क्यों? क्योंकि वो सीधे आसा अरिष्ट के फॉर्म में आपके पाचन तंत्र से होते हुए रक्त में जाती हैं और रक्त हर जगह जाके पोषित करता है, वहां से एब्जॉर्प्शन होता है और पोषण मिलता है। तो वो चीज है। अब इसके बाद देखते हैं पित्त का जो है, मान लीजिए कोई विकार है तो अलग अलग तरीके के विकार पित्त के हो सकते हैं। ज्वर एक लक्षण है, उसके अलावा भी अलग अलग तरीके के जो है हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मूत्र तंत्र में जलन हो रही है या स्किन डिजीज में अगर देखा जाए तो छोटे छोटे दाने निकल आए और जलन हो, जिसको गुजराती में बड़तरा बोलते हैं, तो ये सब जो है पित्त के विकार हैं। और उनको ठीक करने के लिए जो है पित्त का जो स्थान माना गया है वो जो है एक तो पेट जठराग्नि माना गया है और उसके अलावा जहां भी रक्त है वहां पे पित्त पहुंचता है ऐसा माना जाता है। तो रक्त में जिस चीज का जल्दी एब्जॉर्प्शन हो सके ऐसी दवा को देने की जरूरत होती है। इसी तरीके से कफ का जो विकार है वो ज्यादातर देखा जाता है कि नासिका का द्वार जो आंखों के दोनों आंखों के बीच की जगह है जिसको साइनस कहा जाता है, वो इलाका, श्वसन तंत्र और इसके अलावा फेफड़े, यहाँ पे कफ का ज्यादा स्थान होता है। इसके अलावा हड्डियों के जो भी जोड़ हैं, पेट का ऊपरी हिस्सा है, ये भी कफ के निवास स्थान है। तो कई बार ये भी देखा जाता है कि भाई जो मल है, मल में चिकनाहट, जहां भी चिकनाहट की बात आएगी आप देखेंगे, श्लेष्मा की बात आएगी, वहां पे कफ का विकार होता है। तो ऐसी जगहों पे उस तरीके की दवाएं दी जा सकती हैं। धातु दूषण, तो अलग अलग तरीके की जो धातुएं हैं जैसे रस धातु है, रक्त धातु है, मांस धातु है, मेद धातु है, अस्थि धातु है, या मज्जा धातु है, या शुक्र धातु है, तो इस तरीके की जो धातुएं हैं और उनका जो स्थान है उस हिसाब से अलग अलग तरीके का औषधि दिया जा सकता है। जो या तो सीधे वहां पे जब हम बाह्याभ्यांतर प्रयोग करते हैं, या जैसे मान लीजिए मलहम का प्रयोग करते हैं, तेल का प्रयोग करते हैं, तो कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली जो है हम इंटेक करते हैं वहां तक पहुंच जाती हैं। इसी तरीके से कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पे हम मलहम या तेल लगा सकते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां सीधे नहीं पहुंचा जा सकता।
वैसी जगहों तक पहुंचने के लिए जो है जिसको अभी हम बात कर रहे थे ग्राही या संचारी चीजों का प्रयोग करना, तो वैसी चीजों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए मानसिक विकारों में, अनिद्रा में चूर्ण और पटिकाएं तो दी ही जा सकती हैं, लेकिन उसके साथ में षडबिंदु का प्रयोग है, तेल की मालिश है, ये पाँव में तेल की मालिश है, ये सब चीजों से जब वात जो है कंट्रोल में आता है तो वैचारिकता भी कंट्रोल में आती है, और वो कंट्रोल में आने के बाद कहीं ना कहीं मानसिक शांति मिलती है। इसी तरीके से जिसको मिर्गी बोलते हैं या ऐसी ऐसी जो दिमाग से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, ऐसा माना जाता है कि नासिका जो है दिमाग का द्वार है, तो वहां पे या फिर ये श्वसन तंत्र में कुछ विकार हैं, तो अगर उस समय नस्य दिया जाए तो बड़ा ही लाभकारी होता है। तो इस तरीके से जिस स्थान का उपचार करना है वहां पे कैसे पहुंचा जा सके, उस प्रकार से अलग अलग औषधियों का, औषधि के रूपों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा यह देखा जाता है कि जो अलग अलग तरीके की धातुएं हैं, उन धातुओं के लिए धातुओं का जो कंट्रोल है किसी ना किसी विकार में है। तो जो विकार हैं, जैसे कफ दोष है, तो कफ दोष जो है वो मांस मेद और शुक्र धातुओं का नियंत्रण करता है। तो यदि कफ दोष को हम नियंत्रित कर पाए तो इस तरीके के जो विकार हैं, चाहे वो मांस में हो, मेद में हो, शुक्र में हो, तो उसका उपचार किया जा सकता है। इसी तरीके से देखा जाता है कि मज्जा और रक्त धातुओं का जो नियंत्रक है वो पित्त दोष है, तो यदि पित्त दोष को नियंत्रित किया जा सके तो मज्जा और रक्त धातुओं से जो समस्याएं उत्पन्न, धातुओं में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसको आसानी से उपचारित किया जा सकता है। इसी प्रकार जो वात दोष है वो अस्थि धातु को नियंत्रित करता है, तो यदि वात दोष को नियंत्रित करते हैं तो अस्थि धातु में जो विकार है उनको ठीक किया जा सकता है। और जो सबसे आखिरी धातु जिसको माना जाता है ओजस धातु, वो अगर सारी की सारी धातुएं अपने अपने स्थान पे हैं और सुदृढ़ अवस्था में हैं, तो ओजस धातु की वृद्धि होती है। इसको आप ऐसा मान सकते हैं कि इम्यूनिटी का अल्टीमेट फॉर्म है, और अगर यह उक्त है तो सामान्यतया किसी तरीके का रोग, किसी तरीके की परेशानी नहीं आती है, और ऑटोमेटिकली ऐसी चीजें जो है दूर रहती हैं। अभी एक मैं लेख भी पढ़ रहा था, उस लेख में ऐसा लिखा था, एक आश्रम था, उस आश्रम में कोविड के समय बहुत सारे लोग जो है जैसे पीड़ित हुए, तो वहां पे भी लोग पीड़ित हुए, लेकिन ये देखा गया कि जो जितने ज्यादा समय तक ब्रह्मचारी थे उनको सबसे ज्यादा लेट असर हुआ, और एक व्यक्ति को जिनको रोग आया गया पता नहीं चला, वो सबसे ज्यादा मतलब पुराने ब्रह्मचारी थे। तो कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य का सेवन मतलब हम अपनी धातुओं को व्यर्थ न करें, हमारे शरीर का संयोजन किस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे ऐसे पदार्थों का सेवन करें, जैसे मान लीजिए आंवला है, हरी सब्जियां हैं, फल फूल हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे रक्त की अवृद्धि करते हैं, अच्छे अच्छे रसों को का पाचन करके हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं, हमारे रक्त की वृद्धि करते हैं, और उस तरीके से संस्कारित होते हुए अन्य का परस्पर जो है संयोजन करते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी, हमारे चेहरे का तेज, ये सब चीजें बढ़ती रहेंगी।
इस तरीके से अलग अलग तरीके के रोगों पे अलग अलग तरीके की दवाइयों का उपयोग किया जा सकता है। और भगवान को धन्यवाद देते हुए इस विषय को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अगले अगले विषय में हम अलग अलग तरीके की पर्सनालिटीज जो है साइकोमेट्रिकली, इसमें अगर ये देखा जाए कि भैया कोई भी जो रोग है और रोगी है और जो चिकित्सक है और उसके अलावा औषधि है, ये चार मुख्य चीजें हैं चिकित्सा की। तो इसमें रोग और जो चिकित्सा पद्धति है या चिकित्सा की वस्तुएं हैं वो तो जो है स्थिर चीजें हैं, लेकिन जो चिकित्सक है और जो रोगी है वो ऐसी चीजें हैं जो कि लिविंग थिंग्स हैं। जो परिवर्तन परिवर्तन के लिए जिनमें ज्यादातर परिवर्तन होता रहता है प्रकृति के अनुसार और इस तरीके से, तो हम अलग अलग पर्सनालिटीज को समझेंगे और चिकित्सक के रूप में या रोगी के रूप में जो पर्सनालिटी है लोगों की साइकोमेट्रिकली, उस हिसाब से चिकित्सा में किस तरीके से परिवर्तित करके विशेष लाभ प्राप्त किया जा सकता है उस पे विचार विमर्श करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आभार वैद्य श्री सुदेंदु त्रिपाठी साहब का, जो आज वातपित्त कफ और आयुर्वेद औषध निर्माण के बारे में जानकारी दी। अब वैद्य श्री विनोद भाई ठक्कर साहब से अनुरोध है कि दो शब्द कहें। वैद्य श्री विनोद भाई ठक्कर साहब, त्रिपाठी जी ने काफी अच्छी तरह से औषध ग्रहण करने की जो अपने को माहिती दी, एक बात बहुत समझने जैसी है। जितने भी अपने ग्रंथ हैं, चरक से लेके आज दिन तक पर्याप्त जितने ग्रंथ हैं, तो सबसे पहले स्वरस यानी हरी जड़ी बूटियों से चिकित्सा करने का प्राधान्य बताया है, और वो जितना त्वरित रिजल्ट देती है, परिणाम देती है, वैसा चूर्ण वात और वो नहीं दे पाती। तो पहले तो अपने को ये देखना है कि हरी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल जितना हो सके उतना करना चाहिए। दूसरी एक बात कि यहाँ भारत में 6 वैसे 3 ऋतु और 4 महीने के हिसाब से 3 ऋतु है, तो ये ऋतु के हिसाब से दवाई भी में फर्क आता है। और कोई साइंस में ये बात ध्यान में लिए नहीं जाती, सिर्फ आयुर्वेद में ये ध्यान पे गिनती में लिया जाता है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना चाहिए कौन सी सीजन चल रही है, ऋतु चल रही है, उस हिसाब से दवाई का आयोजन तय करना है। तीसरी बात, मात्रा मात्रा यानी कितना लेना। तो आमतौर पे हरी जड़ी बूटियों से अगर आप कोई औषध सेवन करना चाहते हैं तो 20-25 ml यानी आधी कटोरी होना चाहिए और रोग के अनुरूप अनुपान होना चाहिए। अगर कोई अनुपान सरल अपने को नहीं ज्ञान, तो ऋतु और रोग के अनुसार
या तो शहद या तो गुड़ या तो घी शक्कर इसके साथ लेना चाहिए। ये सिर्फ दवाई काम करती है ऐसा नहीं है, इसके साथ ये लेने के अनुपान भी उतना ही, क्योंकि ये सब योग वाई है। योग वाई का मतलब होता है जिस दवाई के साथ उसको जोड़ दिया जाता है उसके गुण में वृद्धि होती है, आयुर्वेद में उसको योग वाई कहते हैं। तो ये भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो त्रिपाठी जी ने बहुत सूक्ष्म रीत से अपने को समझाने का कहा, लेकिन कुछ जो बातें शायद रह गई है तो मैं ये मान रहा हूं कि उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी और सबके लिए एक जो बात जरूरी थी उसको जोड़ के मैंने अपना आज का उनके वक्त को, पहले वो तो उनको आभार मान रहा हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपना विश्लेषण करके दिया, लेकिन कुछ बातें शायद वो भूल गए या तो उनको कहने की रह गई, तो मैंने जो कमी दिख रही थी उनमें उसको जोड़ के मैंने पूरा करने की कोशिश की है। अस्तु। शुक्रिया, आभार वैद्य श्री विनोद भाई ठक्कर साहब का। बढ़िया बढ़िया, सरस।